इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह व्यक्ति खटिया पर लेटे हुए हैं। लेटे हुए इसलिए हैं कि इनके ऊपर 25 लोगों ने हमला किया है। ऐसा हमला किया है कि कई महीनों से यह व्यक्ति बेड से उठ नहीं पा रहे हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देखिए, ये इनका घर है। मैं आपको बताऊंगा इनके साथ पूरी घटना क्या हुआ है। अभी जो मैं खड़ा हूँ, यह है ख्याला गांव और यह गांव पड़ता है ख्याला थाना क्षेत्र में। और अब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला है। उसी न्याय के करीब मैं इनके घर पहुँचा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? हीरालाल। क्या घटना हुआ आपका साथ? घटना पानी की वजह से 25 लोग मारे गए। जो यानी पानी के कारण आपको पिटाई? समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा मामला कैसे आगे बढ़ गया? बता देना आप। अच्छा ठीक है, ये बोलने के अभी कंडीशन में नहीं है। आप इनकी पत्नी हुई। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? क्या हुआ है इनके साथ? पानी के लिए बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे वो हम लोग यहाँ नहा के बैठे, टंकी भर गई, दूसरा बच्चा बंद कर दिए। अच्छा। उस लिए बच्चे से लड़ाई कर दिए, फिर वहाँ से चुप होके वहाँ से सारे लिया के आ रहा हूँ, तो पीछे से वो फोन लगा रहा है। अब हमें ही ना पता फोन कहाँ है, सब बोले कि मकान मालिक के लगा दो। अब ही ना पता मकान मालिक की लगाए कि उसके लगाए, तब ले सारे लोग आए कि वो रात इतना अंधेरा है, अंधेरा पिटाई करके एक सुताए दिए, ऐसा मैं सुताए दिए, दोनों के ही सुताए, मेरे बच्चे के यहाँ मारते मारते ऐसे नीचे फेंक दिए। नीचे? हाँ। इसके नीचे? तस्वीर में देखिए, इसके नीचे फेंका गया। हाइट देख लीजिए कितनी ऊंचाई है। यही सब गिर गए, मारने भागे। ये कौन हुए आपका? ये मेरे बच्चे, ये भी पलवट यहाँ गिरा दिए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुनील है। क्या करते हैं आप? बेडिंग काम करते थे। और पापा क्या करते हैं? लोहार काम करते हैं। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? सर पानी के चक्कर में वो 20-25 बंदे आए, बाहर से मारने लग गए थे। वही मोटर बंद करने के लिए, मोटर चल रहा था, टंकी भर गई, वही मार करने मोटर चल रहा था। अच्छा। 2 घंटे से इसके बाद टंकी भर गई, तब एक आंटी थी वो कहीं मोटर बंद कर देते, सुनी पानी गिर रहा है, एक और लड़का था वो जाके बंद कर दिया। इसके बाद वो आया नहाने खातिर, जब नहाने खातिर आया तो 2 घंटे से मोटर चल रहा था, नहीं नहा। इसके बाद आया तो बोले सब 10 मिनट बाद भर ही नहा दी, वो मतलब टंकी भर चुकी है। इसके बाद उसने गाड़ी वाड़ी देने लग गए, तो मेरे फूफा थे वो कहे भाई गाड़ी मत दियो, इतने में वो 5-6 भाई थे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद फिर मम्मी पापा भी सुने वो भी आ गए, पूछे क्या हुआ, तो मम्मी पापा पूछे क्या हुआ, तो वो बताने लग गए भाई जब टंकी भर गई तो 10 मिनट बाद नहा दीजिए। बस इतने में हम लोग शांत वंत कराए कि कहे मम्मी कहे चलो खाना वाना खाओ सभी लोग। इतने में वो 20-25 बंदा फ़ोन करके बुला के चैन चाकू लट और मतलब आप देख सकते हैं रहने की स्थिति क्या है। एकमात्र कमरा है, मामूली पानी विवाद में इनकी बर्बरतापूर्ण पिटाई कर दी गई। ये गरीब मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सड़क पर संघर्ष करते हैं और आज इस चारपाई पर लेटकर 2 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। इनके परिवार में कमाने वाला कौन? जब कमाने वाला ही लेटा हुआ है तो मदद कौन करेगा? इसी मदद के करीब में ये लोग आए हुए हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील गुप्ता है। आपका संस्था का नाम क्या हुआ? सर्व समाज मंच। क्यों मदद कर रहे हैं इस परिवार को आप? लाचार है, देखिए आप खुद ही, बिल्कुल इनके आर्थिक स्थिति देखिए इनको। अब जो मेन कमाने वाला आदमी था उसका ये हाल है, तो ये तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। तो हम जैसे लोगों को तो सामने आना चाहिए ना, हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा ऐसे। लेकिन जो ये इनके पड़ोस में रहते थे वो मुस्लिम परिवार था। अच्छा। 4-5 लोग थे वो लोग, उन्होंने एक कॉल किया तो 20 लोग बाहर से आए इनको मारने के लिए। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में रॉड है, किसी के हाथ में लोहे की रॉड है, किसी के चाकू है, किसी के हाथ में डंडा है। सिर्फ जीवित छोड़ दिया गया? अरे इनको तो मृत घोषित कर दिया था, हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा। तो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ने इन्होंने जवाब दे दिया था इनको किसी हॉस्पिटल लेके जाओ। तीन हॉस्पिटल लेके गए हैं, 3-4 हॉस्पिटल धक्के खाए हैं। डॉक्टर बोला ये हम नहीं लेंगे इस केस को,
आप कंडीशन देख लीजिए इसका क्या रहा होगा। क्या क्या कहा था जब गए थे लेके तो पेशेंट को अपने डॉक्टर के यहाँ? डॉक्टर के यहाँ साहब लेके उधर हमारे नहीं, क्या जवाब दिया था? यहाँ पे नहीं, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ पे मना कर दिए थे, कहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और रेफर मार दिए थे, वहाँ ले जाओ, हम नाम नहीं जानते। जब हमारी गाड़ी में लेके गया सर इनको, समझ लो आधे मरे हुए थे, समझ लो आधे मरे हुए थे, समझ लो सर। हम गाड़ी लेके जा रहे थे टिकटी बॉर्डर, इनको देखा पूरा खूनम खून, यहाँ से पूरा फटा हुआ टाके लेके देने। अच्छा। सर नहीं पहचान पाया हम इनका, पहले तो मना कर दिए सर, पहले सर मना कर दिया हम, फिर देखा भाई पास आया ना सर हमारा गाड़ी, फिर देखो खूनम खून में थे, फिर अंकल को आके देखा ना ये इनका लड़का जो है ना बैठा हुआ सर कुर्सी पे, ये जो बैठा हुआ इनको पीछे फेंक दिया, पड़ोसी थे तीन चार, उनको उठा के लाया गया। आपके साथ क्या क्या हुआ था? सर मेरे साथ वही हुआ था, मेरे को मारते मारते ले आए, यहाँ चाकू मार दिए थे, चाकू यहाँ मारे थे, देखिए उंगली काम नहीं कर रही थी। अच्छा। डॉक्टर ने बोला ये तुम्हारे ऑपरेशन करने में 6 घंटा लग गया। अच्छा। हाँ, तो बोला कि ऑपरेशन करने में किसने मारा था? हमने बोला सर वो बाहर से बंदे आए थे सारे, वो मार के चाकू गए थे, फिर मारते मारते हमें से कौन फेंका था यहाँ से किसी, आप गिरे थे? हाँ हम ही गिरे थे, ये पैर आप गिरे थे? हाँ हम ही गिरे थे, ये पैर हमारा टूट गया दोनों, खेलते चलते वहाँ से लोग, यहाँ से इस बच्चे को सब पता है कि उस दिन घटना क्या घटी थी। आपका नाम क्या हुआ? अयान। अयान, आप ये बताइए उस दिन जो घटना घटी थी, जो बता रहे हैं परिवार कि 25 लोग आए थे और उनकी बर्बरतापूर्ण पिटाई की, उनकी हालात ऐसे कर दिए कि चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, उस दिन की पूरी कहानी बताइए क्या क्या हुआ था इनके साथ। हुआ सर ये हुआ था, ये जो खड़े हैं पीछे सुनील भाई, ये वहाँ पर नहा रहे थे। अच्छा, वहाँ नहा रहे थे। हाँ। तो टंकी भर गई, तो जने किसी ने कहा था कि मोटर बंद कर दो, तो किसी ने कर दी, तो इनके ये लोग, इसका लौंडा नहाने खड़ा था, तो ये आके इनसे झगड़ने लगे, तो थोड़ी गाली गलौज हुई, फिर लड़ाई शांत हो गई थी। 9:30 बज गए, तो इनके सब में हासिम नाम का लौंडा था, तो उसने बाहर से कॉल करके सबको बुलाया, तो कोई आते ही खन उधर ही चलेगा सब मारने, किसी ने ये नहीं पूछा कि किस वजह से लड़ाई हुई, सब मारने चलेगा डायरेक्ट। अच्छा, इसमें क्या नाम था लड़का का? हासिम, कासिम, मुनासिब, नवासिब, आजम। ये सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये कल्याणपुर। कल्याणपुर? हाँ, कल्याणपुर। अच्छा, तो ये सारे लोग आए एक गुट बनाकर। हाँ। और उनके घर पर चढ़ाई कर दी है। हाँ। मतलब बर्बरतापूर्ण पिटाई की है। हाँ, और वो सब खाना खाने जा रहे थे तभी ये लड़ाई हो गई। अच्छा, घटना कब घटी थी ये? 10:30 रात में। हाँ। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस तो मौके पर नहीं आई थी, जब अंकल को उठा के नीचे ले जाने लगे तब पुलिस आई थी। अच्छा, ये लोग आप यहाँ रहते हैं ना? हाँ। तो ये लोग किस मानसिकता के थे? ये सनकी थोड़ा थे, सनकी थे, भूत वूत आते थे इन पे। भूत आते थे? हाँ। तो वही लड़ाई हुई थी इन्हीं से, तो इन लोगों को मारा गया था। मारा गया? अब सब लोग अब कहाँ चले गए? अब तो इधर रह रहे हैं, उनका सब में छोटा लड़का यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा। तो बाकी सब तो 3 बंदे पकड़े हुए हैं और एक उसका नाम क्या है तीनों का? एक का नाम है हासिम। हाँ। एक का कासिम, एक का मुनासिब, एक का नवासिब, एक का आजम, और एक लौंडिया है, लौंडिया का नाम है आसमा। क्या कहा जा रहा है आपको धमकी में? कह रहे हैं कि बयान दोगे तुम्हें मार देंगे, ये जान से ये हुआ और मैं छूट जाएंगे तो मारेंगे तुम्हें, छोड़। कौन बात बोला ये? उसके बाप ने मारा था जिसके लड़के पकड़े। क्या नाम उसके बाप का है? उसके बाप का तो नाम मुझे नहीं पता सर। नहीं पता है आपको? नहीं, उसके बाप का। आपने आवेदन दर्ज कब करवाया? मैंने परसों करवाया था। परसों करवाया? हाँ जी, 9 को करवाया था मैंने। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनसे बोला सर और सब पकड़े जाएंगे, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया सर। पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं जवाब दिया। और बंदे क्या हुआ? पुलिस वाले वहाँ थाने पर गए, तो थाने पर से भेज दिए रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन से वहाँ भेज दिए, बोले वहाँ जाओ। जब वहाँ गए रजौरी गार्डन, तो वहाँ से धमकी दे के कह रहे यहाँ कोई नहीं रहता, अभी साहब गए हुए कहीं, ठीक है। वहाँ से धमकी दे के पुलिस वाले ने भगा दिए। गए साहेब और वो मेरे बच्चे लेके गया, वहाँ से बोले कि पता न कहा, हम तो नाम नहीं जान पाएंगे, गांव का ही हम नहीं जान पाएंगे साहेब को, पता न कौन भेजने, वहाँ साहेब मिलेंगे तुमके। तो वहाँ मेरे बच्चे लेटरिन बाथरूम के मारे लेके चले आए मेरे के कमरा पे, और दूसरे दिन वो गया, तो वो बोलने कि चलो ठीक है मैं कर दूँगा यही काम। या जो देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम, ये खयाला गांव का है, और अब तक इस परिवार को
किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो इनकी हत्या हो जाएगी और दिल्ली पुलिस देखते रह जाएगी, और ये जब मर जाएंगे तब पुलिस यहाँ पहुँचेगी इनके लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए। अभी जीवित है तो इनको किसी तरह का सुरक्षा नहीं मिला हुआ, देख सकते डर लग रहा है अंकल। हाँ डर तो लगेगी भाई, डर तो लगेगी ही भाई, पता नहीं कब के आके मार जाए, किसके मार कब नहीं आए कोई पता नहीं उनका है। इनका किस्मत बड़ा बढ़िया था कि बच गए, नहीं तो जनमंच न्यूज के माध्यम से देवेंद्र कुमार इनकी लाश का खबर दिखाता रहता। लेकिन कुदरत का करिश्मा है कि 25 लोगों ने हमला किया और ये बच गए, और इनका बेटा घायल है, किसी तरह से ये चल फिर रहे हैं, देखिएगा हाथ काम नहीं कर रहा है। इधर ये काम नहीं है, लैट्रिन बाथरूम हम करते हैं यही, मेरे गांव में मेरे बच्चे बने हुआ है, न पैसा पा रहा न कुछ पा रहा, मेरे बच्चे फूल मेरे भेजे गए पैसा, यही तीन थे मेरे कमाए वाला, कमाने वाले यही है ना, यही तीन है मेरे कमाए वाला, ये दोनों बच्चे हैं, बस हम तीन लोग हैं, मेरा पैर टूट गया, मैं और मेरे बच्चे गांव में छोटे छोटे हैं साहब। कहाँ घर हुआ, प्रॉपर घर कहाँ रहने वाले आप हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं? हाँ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश वासियों से और साथ साथ देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस गरीब परिवार को मदद कीजिए, कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया, हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर फोन पे गूगल पे सब डाल दिया गया है, प्लीज़ इस गरीब परिवार को मदद करें, आर्थिक सहायता करें, इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ जो अपराधी हैं, 22 अपराधी कब पकड़ेगी ख्याला थाना पुलिस, जो राग अलापती है दिल्ली पुलिस की हम क्राइम कंट्रोल करने में देश के नंबर वन पुलिस हैं, तो अब क्या हुआ, 2 महीना हो गया है अब तक 22 अपराधी फरार है, आखिर सवाल तो उठेगा ही ना, क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस, बता सकते हैं आप? अब ये तो पुलिस ही जाने जी, क्यों नहीं पकड़ रही है मामले को, क्या किस मोड़ पे लेके जा रहे हैं लोग, हम इतनी दरखास्त दे रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो लंबी है। इस मामले को दबाया जा रहा है वर्ग विशेष के हिसाब से, लड़ाई तो लंबी चलेगी, और जब तक हमारी इच्छा वो सेवा रहेगी तब तक हम इनकी सेवा करते रहेंगे। सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे जी हाँ, आप सेवा मैं करते तो रहेंगे। लोगों से ये अपील करूँगा ऐसा मौका ही ना आए, ऐसा मौका ही ना आए, अपने आप को खुद को पावरफुल बना लें कि हमें किसी से दबना नहीं है, और ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। लेकिन जो हालात हैं इनके, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करें ताकि इस गरीब परिवार को आर्थिक न्याय जल्द से जल्द न्याय मिले और साथ साथ आर्थिक सहायता मिले। मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि जैसे आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो तो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन असल में पैसा इस जगह लगना चाहिए ताकि किसी गरीब मजबूर की सहायता हो सके। इन्होंने 3-4 महीने से किराया नहीं दिया और इनकी दवाई पूरी नहीं होती, हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, बाकी हम भी सीमित हैं। अच्छा ये बताएं आप, ये आपसे मिलने के लिए यहाँ के नज़दीकी जो पार्षद हैं विधायक हैं कोई आए हैं? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आए हैं? कोई नहीं आया। ध्यान दीजिएगा पुलिस खबर को, देख लीजिए अगर राजधानी दिल्ली में किसी किस तरह से बर्बरतापूर्ण पिटाई कर दी जाए तो मौके पर पार्षद नहीं पहुँचते हैं ना विधायक पहुँचते हैं, 2 मंथ हो गया है नहीं आया ना भैया? नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई सुनवाई भी नहीं ना कोई हॉस्पिटल में रानी है साहब। हाँ कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, क्योंकि ये देखिए एफआईआर रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देख लीजिए, एफआईआर दर्ज है, 22 अपराधी फरार है, कब पकड़ेगी ख्याला पुलिस, कब पकड़ेगी दिल्ली पुलिस, प्लीज इस गरीब परिवार के लिए, इस वृद्ध व्यक्ति के लिए जितना हो सके आप डोनेट कीजिए। आपका वीडियो दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास पहुंचेगा, बताइए कब आपके साथ क्या हुआ था उस दिन साहब? उस दिन से उसमें हम घिसराए हुए सब मुख घिसरा दिए, मेरे घाव लग गई उसमें, बार बार सारे उखाड़ लिए मेरे उसमें उस दिन। हाँ हाँ उस दिन सारे यहाँ से वहाँ तक ले भर के यहाँ से वहाँ तक खींच लिए सारे अमल लोग सारे उसमें साड़ी उड़ी घीवे में घिसराए उठे उसमें खींच खाँच दिए इधर उधर मारे में मैं सारे बचाव के मारे अपने परिवार के भगीरों उसमें दौड़ दौड़ पकड़ू। देख लीजिए
25 अपराधी इनके घर में आए थे और क्या क्या कुकर्म किए होंगे उस समय का तो वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो साक्षात प्रमाण है आपको दिख रहा होगा इनके घर की आप बीती। यह खबर अपने आप में संवेदनशील है, किस तरह से एक महिला के साथ बर्ताव किया गया और अब तक कोई भी सरकारी सहायता इस परिवार को नहीं मिला। आपको क्या लगता है इस गरीब परिवार को सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए? कमाने वाले एकमात्र ये हैं और बेड पर पड़े हुए हैं। प्लीज़ इस परिवार को मदद करें और जनता के हित में इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।